Hello students, today I will teach you Standard 4th Maths, Chapter 8 Cards and Wheel, Exercise Part 2. Before going to start this exercise questions, I am sharing something with you on 16th December's episode of Tarak Mehta. Everyone, watch it now? Yes. So, in that, Pusena at पिज़्जा तो आपको पता ही है कि पिज़्ज़ा का शेप कौन सा होता है ट्राइंगल है ना तो उसमें आपने ऐसा भी देखा होगा कि बच्चों ने पिज्ज़ा खा के सभी चीज़ें रख दी थी मतलब सभी बॉक्स बाहर फेंक दिए थे लेकिन गोली ने एक बॉक्स टेबल के नीचे भूल से रख दिया था तो जब मेहता साहब घर पे आए तो उन्होंने देखा कि टेबल के नीचे तो पिज्जा का खाली पैकेट पड़ा हुआ है तो वो देख के तो वो परेशान हो जाते हैं और ये भी सोचते हैं कि घर का दरवाजा कैसे खुला है और अंदर आके किसने पिज्जा खाया अंदर तो कोई भी नहीं है चलो मैं पहले अब्दुल से बात करता हूँ कि अब्दुल ने किसी को आते देखा था तो वो अब्दुल को फोन करते हैं तो अब्दुल बताता है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा अगर मैं दूसरा काम करने गया होगा तो कोई आया होगा तो मुझे पता नहीं है फिर मेहता साहब ने बोला कि ठीक है और वो सोचते हैं कि चलो अंजलि को फोन लगाया जाए लेकिन फिर वो सोचते हैं कि नहीं अंजलि को मैंने बताया तो अंजलि को लगेगा कि मैंने तो पिज्जा खाया है और डांटना पड़े इसकी वजह से मैं बहाने बना रहा हूँ या तो झूठ बोल रहा हूँ तो मेहता साहब सोचते कि चलो अंजलि के आने से पहले ही ये पिज्ज़ा का डिब्बा है वो बाहर फेंक देता हूँ इस साइड मेहता साहब पिज्ज़ा का डिब्बा बाहर फेंकने का सोचते ही है और उस साइड अंजलि भाभी आ जाते हैं और अब्दुल से पूछते हैं कि अब्दुल भाई कैसे हो अब्दुल भाई बोलते हैं आप आ गए अंजलि भाभी ऐसे देख के उनको चौंक जाता है फिर बोलती है अंजलि भाभी हाँ फिर अंजलि भाभी है वो अपने घर की ओर निकल जाती है जैसे ही वो घर के सामने दरवाज़ा के पास पहुंचती है तो मेहता साहब पिज़्ज़ा का खाली पैकेट या तो बॉक्स है वो लेके बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सामने अंजलि आई है तो उनमें पिज़्ज़ा का जो बॉक्स है वो नीचे गिर जाता है अभी जो होने वाला है वो हम देखेंगे सेवेंटीन दिसंबर के एपिसोड में तो अभी हम फिर से आ जाते हैं हमारे वीडियो में पार्ट वन में हमने एम सी क्यूज ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग देखा था इस पार्ट में हम दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं तो इस पार्ट में मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन लिया है वो है नेम द पार्ट्स इन द सर्कल मतलब सर्कल के पार्ट्स के नाम हमें लिखने हैं तो ये मैंने सर्कल बनाया हुआ है उसमें मैंने रेडियस डायमीटर सेंटर और कॉर्ड दिखाया हुआ है तो ये जो सर्कल है उसमें मैंने वो जो लाइन्स है उसको अल्फाबेट का लेटर दिया हुआ है तो सबसे पहले है लेटर ओ तो आप देख सकते हो कि कल का जो सेंटर पॉइंट है उसको मैंने ओ नाम दिया हुआ है मतलब यहाँ पे O हो जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल बी है ओ सी मतलब ओ सी आपको मैंने बताया था कि जो व्हील्स होते हैं उसके आग बहुत सारे होते हैं तो ये जो क्या है कौन सी लाइन है स्लेंटिंग लाइन तो स्लेंटिंग लाइन होती है सर्कल में उसको हम बोलते हैं रेडियस तो ओ सी हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल सी है ए बी तो ए बी वो सर्कल के मिडल में से पास होती है मतलब मिडल में से पास होना मतलब वो हो जाएगा उसका डायामीटर आपको मैंने बोला था कि डायामीटर सर्कल के दो पार्ट्स बनाता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है जैसे कि पिज्जा है ना तो ए बी हो जाएगा डायामीटर ऑफ द सर्कल डी है ईडी तो ईडी हो जाएगा कॉर्ड ऑफ द सर्कल वो सर्कल में ऊपर के पार्ट में या तो नीचे के पार्ट में ड्रो किया जाता है तो ईडी हो जाएगा कॉर्ड ऑफ द सर्कल ई है ए ओ बी तो ओ बी है ओ बी क्या है स्लिपिंग लाइन है लेकिन अगर हम देखें तो वो हो जाएगा उसका रेडियस क्योंकि मैंने जैसे पहले भी आपको बताया हुआ है कि व्हील्स में बहुत सारे आँख होते हैं तो आँख तो आपको पता ही है स्लेंटिंग लाइन में स्टैंडिंग लाइन में स्लिपिंग लाइन में कैसे भी होते हैं तो वो भी है वो हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सैडिंग इज इन द सर्कल गिवन येम दिन मतलब जो सर्कल दिया हुआ है उसको हमें नाम देना है तो पहले सर्कल में हमने सी उसको क्या बोला जाता है वो हमने नाम दिए थे अभी यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं उसको हमें बताना है कि उसके लिए सर्कल का पार्ट कौन सा है सो फर्स्ट वन सेंटर तो यहाँ पे सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है कि सेंटर पॉइंट है उसको नाम दिया गया है O means O is the center of the circle. B है diameter. तो diameter होता है आपको बताया कि दो parts में circle को divide करता है तो middle वाली जो line है वो है diameter. Means PR is a diameter of the circle. C है radius. तो radius आपको मैंने बोला था slanting और standing line में होता है तो जो स्टैंडिंग लाइन है सर्कल में वो है ओ क्यू तो ओ क्यू है वो हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल डी एंड लास्ट है कॉर्ड तो कॉर्ड है वो ऊपर या तो नीचे स्लिपिंग लाइन में सर्कल में ड्रॉ किया जाता है तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है तो उसको हम एल एम और पी आर दोनों you know, बोल सकते हैं मीन्स एल एम एंड पी आर इज अ कोड ऑफ द सर्कल लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रो अ सर्कल यूजिंग द फॉलोइंग थिंग्स मीन्स नीचे दी गई हुई चीजों के द्वारा सर्कल बनाना है नंबर वन है अ वन रूपी कॉइन मीन्स आपके घर में वन रूपी कॉइन होगा ना उससे आपको उसका बाहर का पार्ट ड्रॉ करना है तो वो हो जाएगा आपका सर्कल ऑफ वन रुपी कॉइन लेट सी नंबर टू बेंगल मीन्स बेंगल का इनसाइड पार्ट और आउटसाइड पार्ट दोनों पार्ट आप ड्रॉ कर सकते हो तो आपकी मम्मा के पास बेंगल तो होगी तो उसकी मदद से आप सर्कल ड्रॉ कर लेना लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द डायामी ऑफ द गिवन सेंटीमीटर ऑफ रेडियस मतलब रेडियस के सेंटीमीटर दिए हुए हैं उसके थ्रू हमें डायामी ढूंढना है नंबर वन है फोर सेंटीमीटर तो उसकी मेथड है डायामीटर इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई रेडियस मतलब डायामीटर है वो रेडियस से डबल होता है तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है फोर सेंटीमीटर सो टू मल्टीप्लाई फोर सो टू फोर जा एट जाट इफ रेडियस इज फोर सेंटीमीटर सो इज एट सेंटीमीटर नंबर टू इज टेन सेंटीमीटर मेथड इज डायामी इज इक्वल टू मींस टू इंटू टेन सो टेन टू झा और टू टेन जा सो द आंसर इज ट्वेंटी सेंटीमीटर मींस इफ Radius is 10 cm, so diameter is 20 cm. Let's see number 3. Number 3 is 6 cm. Method is diameter is equal to 2 multiply radius. Means 2 multiply 6. So 2, 6 are 12. Means if this is 6 centimeters, so diameter is become 12 cm. सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंडियस ऑफ द गिवन सेंटीमीटर ऑफ डायामी ढूंढना है रेडियस है वो डायामीटर से हाफ होता है तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है एट सेंटीमीटर तो ऐट सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे टू से तो ऐट को टू से डिवाइड करेंगे तो रेडियस हमारा हो जाएगा फोर सेंटीमीटर मीन्स इफ डायमीटर इज एट सेंटीमीटर सो रेडियस इज फोर सेंटीमीटर लेट सी नंबर टू टू इज एटीन सेंटीमीटर मेथड इज रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय टू मीन्स एटीन डिवाइड बाय टू सो एटीन को टू के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा नाइन मीन्स इफ डायामीटर इज एटीन सेंटीमीटर सो रेडियस इज नाइन सेंटीमीटर नंबर थ्री एंड लास्ट नंबर थ्री इज ट्वेंटी सेंटीमीटर मेथड इज रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर डिवाइड बाय टू तो यहाँ पे रेडियस है ट्वेंटी सेंटीमीटर सो ट्वेंटी सेंटीमीटर डिवाइड बाय टू सो ट्वेंटी को हम टू के साइड डिवाइड करेंगे तो so हमें आंसर मिलेगा टेन मीन्स इफ डायमीटर इज ट्वेंटी सेंटीमीटर सो रेडियस इज टेन सेंटीमीटर आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज पार्ट टू वेरी वेल थैंक यू